हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस और सीए के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो आपके आने वाले एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी जेई लेवल 1 यानी ग्रुप डी एसएससी एमटीएस सीजीएल सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए हो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लोग मन में आंसर सोच सकते हो या फिर कमेंट करके भी बता सकते हो। फिर आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2019 को किस वर्ष के रूप में मना रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। और साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय रसायन आवर्त सारणी वर्ष। याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2019 को किस वर्ष के रूप में मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय रसायन आवर्त सारणी वर्ष। याद रखना ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो, केंद्र सरकार ने अवेश आइलैंड में पर्यटन परियोजनाओं को अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया है, यह द्वीप कहाँ स्थित है। अवेश आइलैंड के बारे में आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये अवेश आइलैंड कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार में। याद रखना, अंडमान निकोबार में अवेश आइलैंड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन, किस राज्य सरकार ने लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष का कर दिया है। साथियों VVI क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा साथियों, ध्यान देना सभी साथी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान है ना, राजस्थान आएगा। इन्होंने अपना लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष का कर दिया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, अरिबादा क्या होता है। साथियों अरिबादा के बारे में पूछा गया है कि अरिबादा क्या होता है। साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, रिडली कछुआओं का सामूहिक अंडा देकर घोंसला बनाना। रिडली कछुआओं का सामूहिक अंडा देकर घोंसला बनाना, उसे अरिबादा कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, प्रधानमंत्री ने किस जगह पर 9 मार्च 2019 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया है। और साथियों ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। साथियों सभी नोट करते चलना आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। और साथियों सभी प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, जगदीश मुखी को किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है। साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। जगदीश मुखी को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर सात, निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमिया स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर आठ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 की थीम क्या थी। और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट और इनोवेट फॉर चेंज। याद रखना, ये तीनों जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 की थीम है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 8 मार्च को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, किस देश की मांदेच्छू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को भारत आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। साथियों याद रखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी याद रखना, भूटान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत सर्वाधिक स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। और याद रखना, लगातार तीसरी बार ये पुरस्कार इंदौर को ही मिला है, लगातार तीसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क का निर्देशक नियुक्त किया गया है। और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अजीत कुमार मोहंती। क्वेश्चन नंबर 12,
गहिर माथा अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जीव के संरक्षण के लिए लोकप्रिय है? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ओलिव रिडली के लिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र के लिए वन नेशन वन कार्ड जारी किया है? और साथियों, ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन। प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन कार्ड जारी किया है परिवहन के क्षेत्र में। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रयागराज कुंभ मेला 2019 कब आयोजित हुआ? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी से 4 मार्च तक 2019 में प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अलनगाह किन दो देशों के बीच युद्ध अभ्यास का नाम है? और साथियों, याद रखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और ओमान के बीच। याद रखना, भारत और ओमान के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास का नाम है अलनगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस जगह पर आज़ादी के दीवाने नामक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल किला में। क्वेश्चन नंबर 17, रोजर फेडरर का 100वां ATP टाइटल निम्नलिखित में से कौन सा है? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई टेनिस चैंपियनशिप। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल ने 3 मार्च 2019 को सिंगल लाइन साइकिल परेड का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, CISF ने। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय मूल की अमेरिकी मेघा नार्वेकर किस यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट एवं सेक्रेटरी नियुक्त हुई है? और साथियों, याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 20, किन दो देशों के बीच मार्च 2019 में संप्रीति नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ? और साथियों, ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और बांग्लादेश के बीच। क्वेश्चन नंबर 21, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? और साथियों, याद रखना, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के लिखा हुआ प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 24, अगुल हास धारा किस महासागर में बनती है? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। याद रखना, अगुल हास धारा किस महासागर में बनती है? हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो प्रथम देश कौन सा है? साथियों, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, पहला देश कौन सा है ये पूछा गया है। याद रखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसी संध। रूसी संध पहला स्थान है और दूसरे स्थान पे है भारत। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? और साथियों, ध्यान देना सभी साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ अवस्थित है? और साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंग वाले गेंडा के लिए। याद रखना, और ये असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है?
और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी। याद रखना सबसे अधिक जल सोखने वाली मिट्टी भी है दोमट मिट्टी, यह भी याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 मई को। साथियों 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। साथियों लाइव क्लास हमारे इस चैनल में डेली चलता है, आप लोगों को पता ही होगा। और साथियों प्लीज़ कैसा लगा है आप लोगों को, कैसे क्वेश्चन थे ये कमेंट करके बताइए, और 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं ये भी कमेंट करके बताना। और सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ सभी वीडियो को लाइक कर देना और एक एक शेयर अपने अपने दोस्तों को जरूर करना। तो चलिए साथियों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।